Hi guys, we have today with us Shekhar and Shreya from JBIMS, and today we'll talk about life at JBIMS. So I wanted to stay out of this, but they said ki main bhi participate karu beech mein. So it's not an interview, it's more of a general discussion about JB ke kaisa hai life at JB. तो पहले तो हॉस्टल शुरू करते हैं यार, जो तुम्हारा मैं सुन रहा था अंदर हॉस्टल के बारे में कुछ। हाँ। तो हॉस्टल का अभी क्या सीन है? हॉस्टल तो सर मतलब बेस्ट है, जैसे मैं अंदर भी बोल रहा था कि लाइक द बॉयज शुड एट अच्छा ओके बॉयज शुड एम फॉर लाइक टॉप 25, क्योंकि टॉप 25 स्टूडेंट्स को ही हॉस्टल मिलता है, और आउटसाइड महाराष्ट्र के सीट्स शायद अभी कम हो गए करके हमारे टाइम लाइक अराउंड 45-50 रैंक वाले भी आए थे ना हॉस्टल में। तो हॉस्टल लाइफ टोटली डिफरेंट है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे तो मतलब मज़ा बीजा वो सब तो ठीक है कि सारे स्टूडेंट्स साथ में रहेंगे, बट द मेन पॉइंट इज कि 25 फ्रॉम MMS 1, लाइक वी आर कॉल्ड MMS 1, वी आर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स ऑफ मास्टर इन मैनेजमेंट स्टडीज़, और MMS 2 के भी 25 साथ में रहते, सो देर इज़ ऑलवेज एन इंटरेक्शन। और वेन यू गो टू JB, वन ऑफ द मेजर रीजन्स पीपल गो देर, लाइक एक तो प्लेसमेंट हुआ ही है, लाइक वी कीप टॉकिंग लाइक देर आर 3 काइंड ऑफ पीपल दैट कम टू JB। नंबर 1 एंड लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉल इन दिस ग्रुप इज प्लेसमेंट वाले, लाइक अराउंड 65-70% विल फॉल इन दिस ग्रुप। नंबर 2 इज चिल मारने वाले, वो आके हम लोग कुछ नहीं मतलब वो पबजी खेले राइट वही ब्रांड तो है, तो कुछ नहीं पबजी खेलते सोते खाना मंगाते वो कुछ नहीं, मतलब लाइफ में चिल मारनी है। और थर्ड टाइप के है फिर वो एकदम मतलब जिनको एक्चुअली कुछ सीखना है JB जाके, तो वो बहुत ही कम है। और अगर तुम लोगों को सीखना है कुछ तो आई गेस हॉस्टल इज़ द बेस्ट थिंग दैट कैन एवर हैपन टू यू, क्योंकि वहाँ पे सीनियर्स दे आर ऑलवेज रेडी टू मेंटर। हम लोग रात को 2 बजे भी जाके खटखटाया दरवाजे तो वो खोल ही देते, मतलब थोड़ा टाइम लेते खोलने में पर अल्टीमेटली खोल देते ही, और लाइक दे विल ऑलवेज आंसर एनी काइंड ऑफ डाउट्स दैट यू हैव। मतलब राइट वही है देन सेकेंड ईयर इट विल बी बेस्ड ऑन दी मार्क्स दैट यू गेट इन द फर्स्ट ईयर। हाँ वैसे ही है। एंड कितना का अभी फीस कितना है हॉस्टल का? हॉस्टल 10,000 रफली पकड़ लो, पूरा पकड़ लो। मेरे टाइम पे 8,000 फीस था। ओके उसमें से भी 1,000 पे सिक्योरिटी था जो। हाँ राइट वैसे ही है। और फिर सर व्हेन यू गेट अ हॉस्टल एट अ प्लेस कॉल्ड चर्च गेट मरीन ड्राइव पे, हमने क्या हुआ कि हमने बोला कि हम JB हॉस्टल में रहने वाले, हमारा भी स्टैंडर्ड है JB में हम लोग पढ़ने के लिए, हॉस्टल की क्वालिटी यार 10 से हमें तुम्हें क्या मिलेगा, वो तो है ही। सो हमने बोला हम बाहर रहेंगे, तो हमने ढूंढना शुरू किया। सो उसके आजू बाजू एरिया में यू कैन नॉट गेट एनी प्लेस फॉर लेस देन 50,000। मैं 5-8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, right. कि 50,000 में तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, एक रूम नहीं मिलने वाला। बराबर। सो करते करते हमें चिंच पोगली में जाके मिला। ओह माय गॉड। चिंच पोगली लाइक 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम JB। तो फिर वहाँ 6 महीना रहे, फिर देन मिस द वो लाइफ यार, हॉस्टल लाइफ। राइट। फ्रॉम आउटसाइड। ओके। तो उसके लिए आपने मतलब ज्यादा पैसे स्पेंड करके राइट पैसे का प्रॉब्लम नहीं था हम लोगों को, है पैसों का प्रॉब्लम लाइक हम लोग हमारा नंबर भी शेयर करेंगे पेटीएम बीटीएम वाला डोनेट करना है गरीबों को, तो यू गाइस कैन ऑलवेज हेल्प। गरीब कोई नहीं है, इसके माँ बाप अमेरिका में है। नहीं माँ बाप यहाँ पे ही है, भाई वहाँ पे है, गरीबी है गरीब मतलब वो भाई के पास है पैसा, मेरे पास नहीं। तो हॉस्टल लाइफ वही लाइक यू शुड ऑलवेज एम लाइक मतलब JBIMS तो मेन एम रखना ही है, लाइक लड़कियों के लिए तो वो एम है, पर लड़कों के लिए हॉस्टल भी है, लड़कियों के लिए अलग से। टॉप 25 एवरीबॉडी के सिर्फ OMS वाले टॉप 25 नहीं, हाँ मतलब हाँ लाइक मुंबई वाले नहीं, मुंबई मुंबई वाले फिर इवन इफ यू गेट रैंक 1 तो मुंबई नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा लाइक फिर तुम लोग कहाँ पे भी लाइक इवन इफ यू आर स्टेइंग इन ठाणे आई गेस तो उनको ठाणे से ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो बाहर वाले जितने भी है। And I heard कि नासिक नागपुर से, he is from by the way नागपुर चंद्रपुर, very close to नागपुर I would say चंद्रपुर, and he is from नासिक, I am from नासिक yes। तो दोनों example है। इस बार JB में maximum student are from नासिक नागपुर, नासिक नागपुर majority। और ये अभी 2 साल से जब gate खुला है, पहले क्या था कि मुंबई यूनिवर्सिटी के 85% लोग थे। okay okay हमारे बैच से चालू है ये शायद, कि लास्ट राशि था अभी लास्ट से चालू है, पिछले साल में भी है नासिक वाले, हाँ 2 साल से हुआ शुरू, क्योंकि पहले क्या था कि नागपुर नासिक पुणे औरंगाबाद जोड़ के 9 सिटी। ओके अभी सब ओपन कर दिया, तो नाउ एवरीबॉडी सेम है चीज। नागसी नागपुर जाके बोला कि भाई तुम में से मैक्सिमम बॉम्बे से ज्यादा बच्चे हैं नागपुर नासिक से JB में, डेफिनेटली एवरीबॉडी इक्वल चांस। तो तुम्हें जब हॉस्टल मिल रहा है
और गर्ल्स का भी होस्ट है ना कुछ, वो अंधेरी में कुछ होस्ट था अभी, वो कालीना में चल रहा है, कालीना में लाइक मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा कैंपस है। वन गुड न्यूज़ आई वुड लाइक टू शेयर, इवन वी आर ट्राइंग, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग कि हॉस्टल आसपास कहीं गर्ल्स के लिए कुछ हो जाए, सो इवन एफर्ट्स आर बीइंग टेकन की। हां तो लड़कों के लिए वो भी मोटिवेशन है, मे बी वो भी हो सकता है। जान तो मोटी बात है, वो तुम्हें जेबी की बारी मिलेगी, जेबी के अंदर मिलने वाला, जेबी के साथ में जय हिंद नहीं हॉस्टल है मतलब लाइक मेन में कि मरीन ड्राइव से अराउंड 100 मीटर्स पे हमारा हॉस्टल है, 20 मीटर्स नेक्स्ट सेकंड, हां एकदम पास में ही है, मतलब पैदल जा सकते हो। राइट से तुमको सीधे ऐसे करना पड़ता है। हां राइट तो वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। मरीन ड्राइव पे रुक रहे हो तुम 8,000 रुपए में साल का 8,000 महीने का नहीं, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, हाँ साल का 8,000 है, नॉट फॉर अ मंथ। और बेस्ट है मतलब हॉस्टल लाइफ इज द बेस्ट, तुम लोग वहाँ पे आना चाहिए। टीटी है, जिम है, क्रिकेट खेलते हैं। जिम आ गया क्या? हाँ वो जिम है नीचे जो कैबिन था, हाँ राइट वही वाला, वही जिम है, वही तो वो जिम करके मेरी फिजिक ऐसे है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट।